प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपनी पार्टी के नेताओं को सादगी से रहने की सलाह देते हों, लेकिन लगता है कि उनकी हिदायत का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुंबई के मीरा भाईंदर के बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। पूरा मामला 6 अप्रैल का है, जब नरेंद्र मेहता बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए अपनी करीब 5.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से विधानसभा पहुंचे। मेहता जैसे ही विधानसभा परिसर में दाखिल हुए तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए। दूसरे विधायकों के साथ साथ मीडिया कर्मियों के बीच ये कार चर्चा का विषय बन गई। किसी ने विधायक जी से इसकी कीमत पूछी तो किसी ने फंक्शन जानना चाहा। कई तो सेल्फी भी लेने लगे। मामला जब तक तूल पकड़ता उससे पहले ही नेताजी को इसका एहसास हो गया और वो मीडिया से बिना कोई बात किए अपनी कार लेकर वहाँ से चले गए। आपको बता दें कि मेहता की ये नारंगी रंग वाली लैम्बोर्गिनी कार पिछले साल भी उस वक्त सुर्खियों में थी जब विधायक जी ने अगस्त महीने में अपनी पत्नी के जन्मदिन पर इसे गिफ्ट किया था। इसके बाद एक बार फिर से कार तब सुर्खियों में आई जब उनकी पत्नी कार लेकर सड़क पर निकली और एक ऑटो रिक्शा को ठोक दिया था। हालांकि हादसे के बावजूद स्थानीय विधायक की पत्नी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर इलाके में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी के रूप में मशहूर मेहता मेयर भी रह चुके हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।